वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम इंटरमीडिएट कैटेगरी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, सैम्पल पेपर आईबीए का 5 to 15 स्केल के जॉब्स के लिए। पहले हमने मैट्रिक कैटेगरी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया था, तो इसमें भी हमारे पास 40 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में, 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स और 40 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज। तो इसका पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट सेक्शन हमारे पास दिया गया है पार्ट वन इंग्लिश, इंग्लिश का हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें ये रीड आउट करना है पैसेज और उसके बाद आंसर्स देने हैं। तो पढ़ते हैं इसको। इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू लिव इन केव्स, दे फाउंड देम एज सेफ होम्स, फर्निश्ड लिविंग प्लेसेस वर अननोन टू देम। इन स्टोन एज दे मेड सम यूजफुल टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम स्टोन, फॉर दे फाउंड देम यूजफुल ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग टू यूज़। दे न्यू दैट हैवी स्टोन्स कुड बी बेस्ट यूज इन बैटल्स टू अटैक एनिमी फोर्सेज एंड हरास देयर हॉर्सेस, कैमल्स एंड एलिफेंट्स। दे वुड थ्रो हैवी स्टोन्स फ्राम लॉन्ग डिस्टेंसेज टू एनिमी साइट्स थ्रू कैटापुल्ट्स दैट वर यूज एज वेपन्स। तो इसमें अभी पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट फोर सेंटेंसेज वर अबाउट, पहले फोर सेंटेंसेस जो है वो किसके अबाउट हैं, केव्स के अबाउट, लिविंग प्लेसेस के अबाउट या स्टोन। तो इसमें तीनों ऑप्शन डिस्कस किए गए हैं, तो इसमें मुझे केव्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू लिव इन केव्स, लोग गारों में रहते थे। दे फाउंड देम एज सेफ होम्स, उन्होंने गारों को एज अ सेफ होम समझ लिया था। फर्निश्ड लिविंग प्लेसेस वर अननोन टू देम, अभी लिविंग प्लेसेस की बात कर रहा है लेकिन वो एज अ सेकेंडरी टॉपिक बात कर रहा है, और आगे वो स्टोन के जो वेपन्स हैं उसकी बात कर रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से केव्स का ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। पीपल मैंशनड इन द पैराग्राफ, कह रहा है कि जो पीपल, जिन लोगों के बारे में डिस्कस किया गया है पैराग्राफ में, वो क्या थे, क्या वो मिलिटेंट्स थे या वॉरियर्स थे या वर गुड एट बैटल स्ट्रेटजी। तो ये सी ऑप्शन सही रहेगा। अगर आप इसको सेकंड हाफ इसका पढ़ेंगे, ये बता रहा है कि दे न्यू दैट हैवी स्टोन्स कुड बी बेस्ट यूज इन बैटल्स टू अटैक एनिमी फोर्सेज एंड हरास देयर हॉर्सेज कैमल्स एंड एलिफेंट्स। ये बता रहा है कि उनको ये पता था कि अगर हम हैवी स्टोन्स यूज़ करें तो हम दुश्मन को अटैक कर सकते हैं और उसके जो है कैमल्स और एलिफेंट्स वगैरह हैं उनको हम डरा सकते हैं। इस तरह ये स्ट्रेटजी की बात कर रहा है। आगे कह रहा है कि दे वुड थ्रो हैवी स्टोन्स फ्राम लॉन्ग डिस्टेंसेज थ्रू एनिमी साइट्स थ्रू कैटापुल्ट्स दैट वर यूज एज वेपन्स। तो ये सारी स्ट्रेटजी की बात कर रहा है कि वो किस तरह से लड़ते थे दुश्मन से। तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा, दे वर गुड एट बैटल स्ट्रेटजी। आगे बढ़ते हैं। आगे वोकेबुलरी के क्वेश्चन हैं। अब सेनोनियम के हमारे पास 5 क्वेश्चन आएंगे असल टेस्ट में। इसका सैम्पल पेपर दिया गया है कि शी इज श्रियूड जज ऑफ करेक्टर। अब श्रियूज के का जो अप्रोप्रिएट और मोस्ट बेस्ट आंसर है वो है एस्टीट्यूड। तो ये ए सही रहेगा। स्मार्ट भी किसी हद तक सही है, नॉलेजेबल, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है वो एस्टीट्यूड होगा। आगे चलते हैं। ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर। तो स्कॉलर का मतलब होता है लर्न्ड पर्सन। तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एंटोनियम, दिस इज अ शार्प नाइफ। ये एक शार्प नाइफ है। शार्प का अपोजिट पूछ रहा है यूजलेस, रस्टेड, ब्लंट, ब्रोकन। तो इसका जो बेस्ट आंसर है, बेस्ट एंटोनियम है वो है ब्लंट। शार्प का ब्लंट होता है। इन अर्ली डेज मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर वाज अननोन। अब अर्ली का जो अपोजिट होगा वो होगा लेटर। अर्ली मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में। अब स्पेलिंग का क्वेश्चन है, स्पेल चेकिंग का, उसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। स्पेल चेकिंग में डिसिप्लिन की स्पेलिंग इसने पूछी है। डिसिप्लिन की स्पेलिंग हमारे पास होती है डी आई एस सी आई पी एल आई एन ई। तो इसमें ये बी ऑप्शन हमारा सही है, DISCIPLINE। उसके बाद बढ़ते हैं। कोवर्डाइस की इसने स्पेलिंग पूछी है। कोवर्डाइस की स्पेलिंग होती है COWARDICE। तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। इस तरह के भी 5 क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में।
तो क्वेश्चन नंबर 9 है, वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एट लार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अबाउट नहीं लगेगा, ये रॉन्ग है, ये गलती है यहाँ पे, क्योंकि डिस्कस के साथ हम अबाउट का यूज़ नहीं करते, अबाउट प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। वी डिस्कस्ड द मैटर एट लार्ज, इस तरह सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, आई फाइंड द बैग दैट आई हैड लॉस्ट यस्टरडे। तो इसमें फाइंड की जगह फाउंड लगेगा, आई फाउंड द बैग दैट आई हैड लॉस्ट यस्टरडे। आगे बढ़ते हैं, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस के भी 5 क्वेश्चन आएंगे। ही इज़ अ मैन डैश वर्ड, ही इज़ अ मैन ऑफ, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड विथ फॉर या टू, इस तरह नहीं होगा। मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है वो बंदा जो कहे वो करके दिखाए, तो कहेंगे ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड। ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब, द कायद आजम वर्कड डैश फॉर होमलैंड, द कायद आजम वर्कड फॉर हिज होमलैंड, वर्कड हार्ड फॉर हिज होमलैंड। तो इसमें सी का ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर का, द सन हैड राइजिन बिफोर वी वर, द सन हैज़ राइजिन बिफोर वी अराइव देयर, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। 14 में देखते हैं, वाट कैन नॉट बी क्योर्ड, इसमें मस्ट का ऑप्शन सही रहेगा, वाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। ये भी इस तरह का प्रोवर्ब है, इस तरह आप समझ लें, तो इसमें मस्ट का ऑप्शन यूज़ होगा, सी ऑप्शन सही है। इसी तरह हमारा इंग्लिश का पोर्शन ख़त्म हो गया, तो हम मैथमेटिक्स के पोर्शन को देखेंगे। तो इसमें एक 15 नंबर क्वेश्चन है कि अ बॉय गॉट 50% ऑफ क्वेश्चंस ऑन अ टेस्ट करेक्ट, एक लड़के ने 50% क्वेश्चंस सही किए किसी टेस्ट में। इफ़ ही हैड 10 क्वेश्चंस करेक्ट, अगर उसने 10 क्वेश्चन करेक्ट किए आउट ऑफ फर्स्ट 12, फर्स्ट 12 से 10 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस करेक्ट, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर इन द टेस्ट, वर ऑन द टेस्ट। तो क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में, तो इसका ऑप्शन है डी 28। तो ये किस तरह किया गया है, इसका सॉल्यूशन में पिक्चर अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं कि गिविन द फार्मूला पी इक्वल्स के स्क्वायर डब्ल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ के इक्वल्स 5 एंड डब्ल्यू इक्वल्स -3। तो के स्क्वायर, के की वैल्यू हमें इसने दी है 5, तो के की जगह हम 5 पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर 25 एंड -3, डब्ल्यू की वैल्यू है तो -3 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -75। अभी 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल्स 0। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये मैट्रिक कैटेगरी में भी इन्होंने सेम क्वेश्चन दिया था, एक्स स्क्वायर -3x -10। तो ये हमने पहले भी सॉल्व किया है, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास आया था 5 -2, तो देखते हैं इसका 5 -2 इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन आपने देखना है तो मैट्रिक कैटेगरी और जो मैथ का पोर्शन हमने सॉल्व किया है उस वीडियो में आप देख लेना, इसी चैनल पर मौजूद है। अब जनरल नॉलेज के पोर्शन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है उसमें, अब जीके से हमारे पास करंट अफेयर और वर्ल्ड नॉलेज से 15 क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हु इज़ करंट हेड ऑफ इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, अब्दुल्ला हैबतुल्ला आखुंदजादा, हसन आखुंद या अब्दुल गनी। तो इसमें राइट ऑप्शन है हैबतुल्ला आखुंद ज़्यादा। एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम मिक्सचर इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है क्रोमेटोग्राफी। सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट से जुदा करते हैं तो उसको हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, उस फील्ड को, उस प्रोसेस को। इस्लामियात का क्वेश्चन, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़, इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि टू नेशन थ्योरी ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान वाज अबाउट, टू नेशन थ्योरी किसके अबाउट थी, तो हम सबको पता है कि
ट्रू नेशन थ्योरी हिंदूज एंड मुस्लिम्स के अबाउट थी, तो हमारे पास बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एडेड सेकंड अजान प्रेयर कॉल फॉर फ्राइडे प्रेयर्स, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत अली। तो इसमें राइट आंसर है हमारे पास हज़रत उस्मान। आखिर में देखते हैं कंप्यूटर का सेक्शन, कंप्यूटर के सेक्शन से 10 क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में। तो ये पूछ रहा है, अ शॉर्टकट की टू जस्टिफाई द पैराग्राफ इन एमएस वर्ड इज अल्ट जे, कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल एफ या कंट्रोल जे। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है कंट्रोल जे, जस्टिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ को एडजस्ट करने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरमीडिएट सैम्पल पेपर ऑफ आईबीए। आगे चलकर हम ग्रेजुएशन कैटेगरी का पेपर सॉल्व करेंगे और काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल शेयर करेंगे इसी चैनल पे इन पोस्टों के बारे में। तो हमसे जुड़े रहिए, थैंक यू फॉर योर टाइम।